बनाया था वीडियो और आप लोग सोच रहे रहेंगे कि ये क्या चल रहा है, कभी पार्लर का, कभी मेहंदी, कभी घर पे सर्विस, तो ये चल रहा है। और बाय द वे मेरी मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, रंग अच्छा है। एक्चुअली ना मेरे खाला के घर पे फंक्शन है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी मैं मेरी सिस्टर के साथ आ गई थी पार्लर क्योंकि मुझे आईब्रो कराना था। मैं आईब्रो एक है उन्हीं के पास से कराती हूँ और किसी के पास से नहीं कराती क्योंकि बाकी सब मेरी आईब्रो छिपलक देख रहे हैं, बताओ। तो मेरी आईब्रो ना एक्चुअली ख़राब हो जाती तो मैं उन्हीं के पास से कराती, इसलिए मैं कल नहीं कराई, आज स्पेशल आके करा दी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए अभी हम लोग जाते डेकोरेशन का सामान लेना और ऑन द वे आप लोग को सारी अपडेट्स मिल जाएगी। बहुत उजाला हो गया, अभी थोड़ा अंधेरे में फटफट जाते। चलो दीदी, और थोड़े टाइम में मालूम पड़ जाएगा क्या फंक्शन है क्या नहीं है। स्टेडियम और ब्लॉक पूरा देखो। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे जूस पीने के लिए क्योंकि इतनी धूप है, इतनी, और पता है आप लोगों को दो दिन इतनी बारिश हुई कि हम लोग बोले कि चलो आज तो लंबी है ये बार तो, और बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली कंटिन्यू कम से कम हफ्ता दो हफ्ता, और दो दिन सिर्फ बारिश हुई और अभी देखो इतनी तेज़ धूप है। ये देखो कितनी धूप है यार, वीडियो में दिख ही नहीं रही दीदी, वीडियो में ऐसा लग रहा है कि छाव है। ये वाली शॉप से हम लोग ने रोज पेटल्स ले लिए हैं और हम लोग के पास था छुट्टा नहीं, तो हम लोग ने उसको बोले कि रुक जा जूस वाले का जूस पीते और उसके पास से छुट्टा लेके आते हैं। तो अभी जूस पीते हैं, रोज पेटल्स लेते हैं और जाते हैं आगे और डेकोरेशन के सामान लेने के लिए। हेलो गाइस, रोज पेटल्स, चलो आर्टिफिशियल कैंडल, जैसे कि वो जो छोटी मोमबत्ती रहती है ना और उसको ऐसा चालू करते हो लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है, समथिंग वैसे टाइप की होती है ना, पता नहीं आप बता दो। तो गाइस मतलब आप दिखा दो, अभी हम लोगों को मालूम नहीं उसको क्या बोलते, आर्टिफिशियल ही रहती है लेकिन हम लोग को जलाना नहीं पड़ता। तो गाइस इतने सारे तोरण में से हम लोग को ना एक्चुअली झूला सजाने का है और झूले के लिए हम लोग ये तोरण वोरण अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग ने ना इतना खूबसूरत एक चीज़ हम लोग को दिख गई, वो क्या बोलते हैं लीव्स की लड़ी दिख गई, तो अभी हम लोग वो लेंगे और लेंगे मीन्स ले ही रहे हम लोग, अंकल निकाल ही रहे और हम लोग सोच रहे और क्या क्या ले। अभी हम लोग ना आर्टिफिशियल कैंडल चाहिए, अब आर्टिफिशियल कैंडल को एग्जैक्ट क्या बोलते हो पता नहीं, मतलब सिर्फ ना चपटी सी रहती है और सिर्फ जलाते तो बटन ऐसा करते तो लाइट जलती है उसकी। प्रॉप्स पे भी नहीं है कुछ लिखा हुआ था, प्रॉप्स ये सब कुछ किधर रखेंगे झूले के उस पर थोड़ा सजा लगा पाएंगे हम। हाँ तो मैं इन लोगों को दिखा दूँ पहले, तो गाइस ये हम लोग ने लिए है, झूले पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और रियल में एक्चुअली कैमरे पे है ना उतना आप लोग को नहीं समझ में आएगा कैमरे पे, लेकिन एक्चुअल में रियल में ना बहुत प्रीटी, बहुत वीडियो, बहुत अच्छा ज़्यादा लग रहा है। और हम लोगों ने ना इसका कॉम्बिनेशन लिए, एक सिल्वर और एक गोल्ड, तो ऐसे हम लोग चार ले रहे, दो सिल्वर दो गोल्ड, आई होप अच्छा लग जाए, डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही नो डाउट, बट फिर भी एक रहता है ना असर दिल में, झूला जो है ना वाइट एंड स्काई ब्लू कलर का, सो वाइट एंड स्काई ब्लू कलर पे गोल्डन एंड सिल्वर, देखो देखो इसमें लाइट में समझ में आ रहा है, जाएगा वाइट तो जाएगा, गोल्डन भी चले जाएगा, वैसे भी आगे का एक अपने को कवर करने का, लाइट में बहुत खूबसूरत लग रहा है और घर की सारी LED लाइट झूमर में बहुत अच्छा लगेगा ये। 29। तो गाइस एक्चुअली मेरे को मेरे बर्थडे में पहनने नहीं मिला था, तो सोचे अभी पहन के थोड़ा कैप्चर कर लूँ, ये हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू। रख दो वापस जगह पे। कैसी लगी जरा, कौन सी लड़ी ये वाली, इसको कहाँ लगाएंगे, खुराफाती सोच रही थी बट नहीं चलना आपका खुराफाती, इधर समझ में आया क्या है इसका, क्या बताएंगे लड़ियों का। गाइस आप लोगों को कुछ आइडिया है, नहीं यार ये व्लॉग आने तक का मेरा फंक्शन हो भी जाएगा लेकिन फिर भी अगर कुछ आइडिया है कि इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो बालों में, और मतलब ऐसा गोवा में देखे ना सर छोटी बांधते हैं ऐसा कलरफुल, वही तो बोल रहा तो जो भी है, तो फिर भी आप लोग आइडिया देके रखो, नेक्स्ट टाइम कुछ अगर ऐसा फंक्शन और कुछ रहेगा डेकोरेशन करने जैसा तो हम लोग वो आइडिया यूज़ कर लेंगे। हम लोग डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाते, हम लोग पैसा सेव करते हैं, लेकिन यार कुछ ऐसा डेकोरेशन चाहिए जो हम लोग से ना हो सके, उसके लिए हम लोग डेकोरेशन वाले को बुला लेते हैं, इवेंट डिजाइनर यू नो ना तैमूर्स मॉम, तैमूर्स मॉम
हाँ सो गाइस एक्चुअली आप लोग ने पिछले के पिछले आई मीन रमजान के ब्लॉग में देखे रहेंगे कि मैंने तैमूर को ली थी और ये डायलॉग मारी थी कि आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ सैफ अली खान और करीना कपूर के पास तैमूर है, हमारे पास भी है। सो शी इज तैमूर मॉम। गाइस फाइनली ये दो कलर हम लोग ने लिए है और मुझे तो पूरा यकीन है कि ये दोनों बहुत अच्छे लगने वाले। हाँ बस है ना, ये भी चल जाएगा। इससे थोड़े चपटे में की नहीं है क्या? तो पीछे झूले की डंडी को भी व्हाइट एंड गोल्डन रखते है। हाँ तो ये एक दो व्हाइट और एक गोल्डन देते। व्हाइट एक ही नहीं है, चेक किए उन्होंने, नहीं है गोल्डन दो और एक व्हाइट, नहीं व्हाइट दो एक गोल्डन। इफ रुको ना, बाजू में शॉप में एक बार देख लेते हैं वहाँ पे है क्या। सो गाइज हमने ये ले लिया। एक्चुअली हमको ऐसे में कि तीन चाहिए थी बट हमें दो मिली तो हमें अनफॉर्चुनेटली एडजस्टमेंट करके ये लेना पड़ा। सो गाइज मैंने सोफे को इधर कर दियूँ और क्योंकि सोफा इधर था, मीन्स मुझे ना बिफोर टेक लेने मिला नहीं, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पता नहीं मैंने ध्यान से निकल गया घाई घाई में डेकोरेशन सबके घाई में कि ब्लॉग शूट करना है कंटिन्यू करना करके, फिर हमें वो सडन याद आ गया, बोले चलो कोई नहीं जो है वैसा ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने गालीचे बिछा दिए हैं, यहाँ पे मैट हो गया है, सोफ़ा फिश टैंक भी धुल दिए। ये देखो आप जो फिश टैंक दिखा दूँ, इसके अंदर है टेट्रा फिश ऐसा देखो। ओके ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू फिक्स दिस कि हम इसको इसके अंदर से ऐसा ऐसा रोल 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 एंड रोल। कुछ आया आइडिया? आई हैव एन आइडिया, लेट्स डू दैट। वेट व्हाट व्हाट बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई हैव एन आइडिया, शैल वी डू दैट। वेट होल्ड दिस, होल्ड माय कैमरा। ओह वाओ कैमरे को होल्ड कर दी, होल्ड माय कैम फोन बोल। मैं बोल रही थी ये हम जान इसको यहां से ऐसा घुसा के यहां एक टेप मार देते हैं एंड देन राउंड एंड राउंड ऐसा पूरा इसको ऐसा निकाल देंगे। ओके अगर पट्टे को प्रॉब्लम ना हो तो मैं निकाल सकती हूं। बता एंड मैं आपको दिखाऊंगी गाइस फाइनल लुक पूरा प्रिपेयर होने के बाद, क्योंकि यहां पे कोई और शूट करना है नहीं, मैं और दीदी है जो हम लोगों को डेकोरेशन करना है। सो सी यू आफ्टर डेकोर। गाइज फाइनली डेकोरेशन हो गया और आपने देख लिए एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा रहेगा, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाय गाइज शी इज माय सिस्टर टू। ओके सो गाइज मैं अभी हो गई हूँ रेडी, ये तो मैंने मम्मा का दुपट्टा लिया क्योंकि अभी मेरे को मेकअप आर्टिस्ट चाहिए रेडी करने के लिए और मेरी बहन सबको रेडी करेगी वो, तो मेकअप करते हैं। और मैंने ये दुपट्टा तो मेरी मॉम का है क्योंकि अभी मैंने ड्रेस के ऊपर का दुपट्टा नहीं लिया वरना घर खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा वाइट ड्रेस है। और मैं आपको दिखाऊँ ड्रेस कि पूरा रेडी होके दिखाऊँ, दिखा दूँ? नहीं पूरा रेडी होके दिखाऊंगी मैं। आर्स बाय आर्स मेरी बहनी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, डार्क एंड डार्क। सो यम ज़्यादा बात ना करते हुए हम जाते हैं रेडी होते हैं और फिर दिखाएंगे हम क्या करेंगे। और अभी मेहमान आए नहीं है, मेहमान मगरिब बाद सब आने वाले, तो तब तक मैं मेरा मेकअप वेकअप करके रेडी हो जाती हूँ, तब तक दीदी मम्मी सब रेडी हो जाएंगे और फिर मैं दिखाऊंगी मेरा फाइनल आउटफिट। बाय द वे आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेट आप लोगों को दिखाती हूँ। वाव कितना प्रीटी लगता है मेरे खाला के घर से माशाल्लाह। तो जैसे कि आपने देखे कि कितना अच्छा खूबसूरत सा और एकदम पीस वाला मौसम चल रहा है, क्लाइमेट है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे में फंक्शंस एंड रेडी होना, मीन्स ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रहा है और ज़्यादा बारिश भी नहीं है, खुला मौसम है लेकिन ठंडा भी है। तो चलो चलते हैं अभी फटफट से रेडी होते हैं एंड मिलते हैं रेडी होके। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है मेकअप? आप रेडी नहीं हुए? मैं
कैमरा उधर है। वाह मम्मी, खाला मैं तू मेकअप कब कर रहे हो? मैं आप लोगों को फोटो नहीं ले रही थी, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ पे फंक्शन चल रहा है गाइस, अगर आपको भी अपना फंक्शन कराना है तो हमें कॉन्टेक्ट करें। यहाँ देखो काफ़ी सुंदर इंटीरियर है, तो देखिए यहाँ पे हमारे भाईजान भी हाजिर है। ये आयशा है, ये नहीं है, देखो ये हमारा छपरी भाई वगैरह कुछ काम किए हुए। आप देख सकते हो माशाल्लाह सब खाना खाने बैठ चुके हैं। और ये अपना हमारे भाई सब कुछ करने काम रहता है नहीं। चलो पकड़ो, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओ माशाल्लाह, खाना खाना खाओ। तंदूरी रोटी कौन मंगाया? अच्छा अरबीना का है, दिख रही नहीं है। The next day. वाह वाह, अबे अभी इतना चिल्ला रहे थे कितने शरीफ हो यार तुम लोग, कितनी एक्टिंग करते शरीफ हो। Thank you.